मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज अनेक दौरे हैं। राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे निकलेंगे। तो बता दें कि सुबह 11 बजे राजगढ़ जिले के सुठालिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। सुठालिया में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 12:50 पर शिवपुरी जिले के झिरी पहुंचेंगे। झिरी में भी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 बजे के लगभग शिवपुरी जिले के आमोल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आमोल में भी स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और दोपहर 3:40 पर ग्वालियर स्थित वृंदावन वाटिका पहुंचेंगे। वृंदावन वाटिका में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे वापस भोपाल लौटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज अनेक दौरे हैं। उपचुनाव का दौर है और इसी को लेकर कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे राजगढ़ जिले के सुठालिया सीएम पहुंचेंगे। सुठालिया में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसमें अधिक जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम की ओर रुख करेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज अनेक दौरे हैं, कई सियासी मायने हैं। बिल्कुल प्रेरणा, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे करीब 11 बजे शुरू होंगे, जो कि करीब 6:30-7 बजे तक ताबड़तोड़ दौरे चलेंगे। लगातार सभाएं आयोजित की गई हैं। जैसे कि अब चुनाव की तारीखें करीब आती चली जा रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे भी उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रोग्राम जो तैयार किया है, चुनावी दौरा, यानी कि प्रति विधानसभा उनको 3 सभाएं लेनी है और करीब 90 सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होनी है। उसके तहत अगर हम आज उनके दौरों की बात करें तो करीब 11 बजे कुठालिया जिला राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो फिर 12 बजे दोपहर में कुठालिया से प्रस्थान करने के बाद करीब 1 बजे यानी कि 12:50 पर शिवपुरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा आयोजित की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो करीब 2 बजे आमोल शिवपुरी में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और फिर उसके बाद ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दस्तक देंगे, जहां उनकी सभाएं आयोजित की जाएंगी। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब 8 से 9 सभाएं आयोजित की जाएंगी और करीब 6:30 से 7 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे और फिर करीब 6:30 बजे भोपाल आगमन होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल संदीप, जिस प्रकार आपने बताया कि करीब 8 सभाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने जा रहे हैं, कौन कौन से भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बात करें कौन कौन नेता रहेंगे, तो केंद्रीय मंत्री रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर के रहने की जानकारी दी गई है। थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी हैं। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आज दौरा है, उम्मीद है कि आज ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेंगे। और उसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और सारे स्थानीय नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साथ देंगे सभाओं में। बिल्कुल, देखा जाए संदीप तो मध्य प्रदेश के जितने भी भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है और इसमें कई लोगों की जो है वो सम्मान दांव पर लगा है। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीते दिन अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उसके बाद उनकी जो है वो साख दांव पर लगी हुई है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ का साफ तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है। बीते दिन कई प्रकार के ऐसे बयान भी आए हैं जिससे साफ तौर पर ये जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ का मुकाबला है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। भाजपा और कांग्रेस ऑलरेडी पहले ही घोषित कर चुके हैं कि ये चुनाव कोई पार्टीगत नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच है। इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार बयान दे रही है, गद्दारी तरह तरह के बयान दे रही है और उनका ये कहना है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी थी जनता ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लालच देकर के
गिराया है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि जो इन्होंने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए और सरकार गिरी है। तो देखा जाए तो दोनों ही पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में किस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। तमाम तरह की चुनावी सभाओं को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने जा रहे हैं।